गाइजर, ये है लॉस सैंटोस के खतरनाक खतरनाक जाइंट एवेंजर्स। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और गाइजर, मेरा सपना इन एवेंजर्स को ज्वाइन करने का, पर गाइजर आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा छोटा और बहुत ही कमजोर स्पाइडरमैन हूँ, और ये बहुत ही खतरनाक है। मुझे कैसे भी करके जाइंट एवेंजर्स ज्वाइन करना है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। बच्चे, हम तुम्हें जाइंट एवेंजर्स में नहीं ले सकते क्योंकि तुम तो स्मॉल एवेंजर भी नहीं हो। उड़ी बाबा, इसने सही कहा, तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम तो एक टॉयलेट स्पाइडरमैन हो। अरे प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरा बचपन से सपना है ये खतरनाक सी जाइंट एवेंजर्स टीम ज्वाइन करने का। बच्चे, अगर तुम सही में जाइंट एवेंजर्स टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें इस स्केल जितना बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हें कम से कम 30 मीटर्स का बनना पड़ेगा। क्या 30 मीटर्स का? अरे इधर कैसे बनूंगा, मैं तो अभी जीरो से भी नीचे हूँ। अरे कैसर, मैं तो सही में बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा बनना है। इसको छोड़ दो, मुझे एवेंजर्स में ले लो, मैं देखो इससे कितना ज्यादा लंबा हूँ। वेनम हल्क, तुम लंबे हो, पर अगर तुम्हें भी हमारी जॉइंट एवेंजर्स को ज्वाइन करना है तो तुम्हें हमारे जितना लंबा होना पड़ेगा या फिर 30 मीटर जितना। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ और अपग्रेड होकर आता हूँ एक जॉइंट हल्क वेनम में। बच्चे, वो वेनम हल्क तो तुमसे अभी से लंबा है। अगर तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी दुनिया का सबसे लंबा जॉइंट स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस वेनम हल्क को ये जॉइंट एवेंजर्स नहीं ज्वाइन करने दूंगा। जॉइंट एवेंजर्स की टीम तो मैं ही ज्वाइन करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे जल्दी से अपग्रेड होना पड़ेगा। पर अपग्रेड कैसे हूँ? ओए बच्चे, मैंने सुना है तुम लंबा होना चाहते हो, क्या तुम मेरी तरह लंबा होना चाहते हो? अरे ये क्या, ये तो ब्लैक पैंथर है, ये कितना ज्यादा लंबा है, मुझे तुम्हारी तरह लंबा होना है, प्लीज जल्दी कुछ तो बताओ। ओए बच्चे, इस पोशन को पीने से तुम लंबे हो सकते हो। ओए मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे बहुत सारा पोशन पिलाया था, इसलिए मैं इतना लंबा हूँ। अरे तो मुझे भी पिलाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओए बच्चे, मैं तुम्हें ये पोशन जरूर पिलाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरा बचपन से सपना है फेमस होने का और आज तक मैं फेमस नहीं हो पाया। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो कमेंट करेगा ब्लैक पैंथर और मुझे फेमस करेगा, तो मैं तुम्हें ये पिंक पोशन जरूर दूंगा। क्या हमें तुम्हें फेमस करना पड़ेगा? हो जाएगा। तो गाइजर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ब्लैक पैंथर, क्योंकि गाइजर अगर आप कमेंट करोगे ब्लैक पैंथर का नाम तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर। ओए एक भी जना नहीं छोड़ेगा, सबके सबको करना पड़ेगा, मुझे फेमस होना है। हाँ गाइजर, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ब्लैक पैंथर ताकि हमें ये पोशन मिल सके और मैं अपग्रेड हो सकूं एक लंबे स्पाइडरमैन में, क्योंकि अभी मैं तो एक टॉयलेट स्पाइडरमैन हूँ। अंकल, मुझे लगता है सबने कर दिया है, अब जल्दी से पोशन पिला दो। ओए बच्चे, अभी तो मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, अगर मुझे पता चला किसी ने कमेंट नहीं किया होगा। अरे तो आप भूत बन के उनको रात को डराना। ओए ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है ये पोशन तुम पिलो। थैंक यू अंकल। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो ये खतरनाक सब पोशन मुझे यहाँ पर मिल चुका है, चलो इसको फटाफट से पी लेते हैं। अब कब 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 कब। और कैसर ये क्या, इस पोशन को पीने के बाद मैं तो एक ही बारी में लंबा हो चुका हूँ, और ये क्या, मैं तो बड़े बड़े जंप भी मार पा रहा हूँ और मेरे चार चार एक्स्ट्रा हाथ भी आ चुके हैं। ये देखो मैं कितना खतरनाक हो चुका हूँ। उड़ी बाबा, अभी भी तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो, अगर तुम्हें जॉइंट एवेंजर्स ज्वाइन करना है तो तुम्हें हमसे भी ज्यादा लंबा बनना पड़ेगा स्पाइडरमैन। हाँ इसने सही कहा, अब जब तक तुम दुनिया के सबसे लंबे जॉइंट स्पाइडरमैन नहीं बन जाते यहाँ पर मत आना, और याद रखना वो वेनम हल्क तुमसे आगे है। हाँ बात तो सही है, वो वेनम हल्क मेरे से सही में बहुत ही ज्यादा आगे, अभी जितनी मेरी हाइट है उसकी पहले से इतनी हाइट थी, तो मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपग्रेड होना पड़ेगा और भी लंबे स्पाइडरमैन में, और उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारे पोशन। तो चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं और बहुत सारे पोशन पीते हैं, और अगर आप चाहते हो मुझे पोशन बहुत सारे मिलते जाए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना पोशन, और अपन चलते एक लंबा स्पाइडरमैन बनने। तो कैसर अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और पोशन ढूंढने, और कैसर यहाँ पर चल रही है खतरनाक सी गैंग की मीटिंग। वैसे तो नॉर्मल गैंग वाले पैसा सप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर जो गैंग्स की मीटिंग चल रही है इसमें सप्लाई हो रहा है हमारा खतरनाक सा पोशन, जिसको पीने से मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। पर कैसर यहाँ पर सही में बहुत ही ज्यादा लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वो पोशन कैसे चुराऊंगा, पर चुराना तो पड़ेगा। तो चलो फटाफट से जंप करते हैं, लेट्स गो। अभी अपन जाएंगे सीधा इसके ऊपर खोदने वाले के लिए। लग गई रोबड़ू, कौन है तू, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहां से, मुझे जल्दी से जल्दी इन सब को खत्म करना पड़ेगा, और यहां
यहाँ पर तो लड़ाई शुरू हो चुकी है एक गंदे मुझे, तो यहाँ पर मुझे गन मिल चुकी है, इनको फटाफट से मारना शुरू कर दे क्योंकि कैसर मुझे वो पोशन कैसे भी करके चाहिए, तो मुझे इन सारे के सारे गैंग मेंबर्स को मारना ही पड़ेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये लो, वहाँ पे कुछ गैंग मेंबर्स भाग भी रहे, मुझे उनको भागने से भी रोकना पड़ेगा। अबे टकले साइड हो जाए, ये ले, भाग कर कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारे के सारे लोग बता देंगे कि स्पाइडरमैन ने यहाँ पर चोरी करी थी, तो फिर मेरा एवेंजर में बन जाऊंगा तो मेरा नाम अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हमें सारे के सारे लोगों को मारना पड़ेगा, हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और कोई बच गया क्या? ये कैसे बच गया? हम पर अटैक करता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये हमारा आखिरी बंदा बचा, इसको फटाफट से खत्म करते हैं। और ये क्या है, गाड़ी कैसे फूट गई? तो कैसर मैंने यहाँ पर सारे के सारे गैंग मेंबर्स को मार दिया है, पोषण तो हमें मिल ही चुका है, पर साथ साथ हमें यहाँ पर कुछ कैश भी मिल चुका है। यहाँ पर ये बोरिया भर भर के पैसा पड़ा है, पर अभी हमें पैसों से फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए एक खतरनाक सब पोषण, तो फटाफट से इसको पीते हैं और हो जाते हैं एक बढ़िया से स्पाइडरमैन में अपग्रेड। और कैसर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक सी स्पाइडर शार्क में। ये कितना ज्यादा खतरनाक है, पहले सम सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं और लंबा तो मैं होता ही चाह रहा हूँ। हमें और भी पोशन पीने पड़ेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक जाइंट स्पाइडरमैन बनने के लिए, तभी तो हम जाइंट एवेंजर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो जाइंट स्पाइडरमैन और हम चलते हैं और भी पोशन ढूंढते ताकि हम अपग्रेड हो सके। तुम दोनों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में, तुम दोनों को चाहिए पिंक पोशन? हाँ मुझे चाहिए। नहीं 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 मुझे चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को ये पिंक पोशन मिलने वाला है, उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर खड़े हैं दो दो फाइटर जेट, इन फाइटर जेट्स को तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस के अंदर। मिलिट्री बेस में जाकर अपने फाइटर जेट को पार्क कर तुम्हें यहाँ पर करनी पड़ेगी बोलिंग। तुम्हें मिलने वाला है सिर्फ एक मौका इन सारी की सारी पिंस को उड़ाने का। जो भी सबसे ज्यादा पिंस उड़ाएगा उसको मिलने वाला है पिंक पोशन। अरे ये तो बहुत इजी है, इसमें कौन सा चैलेंज है? चैलेंज ये, जब तुम प्लेन उड़ाओगे तो सारे मिलिट्री वाले तुम्हारे पर मिसाइलों की बारिश करेंगे, और अगर तुम्हारा प्लेन ब्लास्ट हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हें सारे के सारे पिंस उड़ाकर वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। मेरे लिए ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के भी जाता हूँ और सारे के सारे पिंस उड़ा कर लाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मिलिट्री वाले भी नहीं। तो गाइज़र ये चैलेंज सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और अभी सोनिक यहाँ पर निकल चुका है इस चैलेंज को करने के लिए। अगर आप चाहते हो मैं ये चैलेंज ढंग से कर लूं तो गुड लक स्पाइडरमैन, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि सही में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी हमारा सोनिक तो निकल चुका है, वो प्लेन भी यहाँ पर लगता है लैंड करवाने वाला है। मैं तो जीत कर रहूंगा। अरे ये क्या, मेरे ऊपर तो मिसाइलें गिर रही है, जल्दी निकल जाता हूं, मुझे बचाओ। और कैसर इस सोनिक के ऊपर तो खतरनाक मिसाइल्स का अटैक हो रहा है, पर अभी फिलहाल ये यहाँ पर नीचे उतर चुका है। मैं तो इन पिंस को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ये सारे के सारे पिंस उड़ा करूंगा। अरे ये क्या हो गया? अरे फटा फटा फटा, अरे रुको रुको, मुझे पिंस को मारना है। और कैसर आप देख सकते हो इसकी बॉल यहाँ पर लग चुकी है और पिंस यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिन यहाँ पर गिर चुकी है, पर कैसर ये सारी पिंस नहीं गिरा पाया। आप देख सकते हो कितनी सारी पिंस यहाँ पर अभी भी पड़ी है। अरे तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा। ओके ओके मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मर जा प्लीज, इसका प्लेन ब्लास्ट हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो गाइजर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो प्लेन ब्लास्ट ताकि इसका प्लेन ब्लास्ट हो जाए। अरे ये तो उड़ने वाला है, मुझे बचाओ। अरे अरे ये क्या हो गया? और ये कैसे बच रहा है यार, प्लीज ब्लास्ट हो जा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये बच के यहाँ पर आ गया तो मुझे 8 से ज्यादा पिंस को ऐसे भी करके उड़ाना ही पड़ेगा। भागो, मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक गोलियां मार रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो मिलिट्री बेस से बाहर निकलने वाला है। और गाइजर ये क्या, हमारा सोनिक तो मिलिट्री बेस से बाहर निकल चुका है और इसने टोटल 8 पिंस को यहाँ पर उड़ा डाला। हट जाओ, मैं आ गया, मैं आ गया। बहुत बढ़िया सोनिक, तुमने टोटल 8 पिंस को उड़ाया, अब देखते हैं क्या फ्रैंकलिन 8 पिंस को उड़ा पाएगा। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर कैसर कैसे भी करके मुझे कम से कम 9 पिंस तो उड़ानी पड़ेगी अगर मुझे ये चैलेंज जीतना है और वो पोशन पीना है। तो जल्दी जल्दी गुड लक स्पाइडरमैन कमेंट कर देना और फटाफट से इस जेट को उड़ा लेते हैं सीधा हवा में। लेट्स गो।
मुझे ना कहता सोनिक ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर सोनिक ब्लास्ट हो जाता तो मुझे सिर्फ एक ही पिन उड़ा के वापस आना था, पर अब फिलहाल मुझे 9 पिन को उड़ाना पड़ेगा। तो फटाफट से अपने जेट को लेकर चलते, हमें ज्यादा ऊपर उड़ाने नहीं वाला ताकि ये मिलिट्री वाले मुझे ढंग से मार भी नहीं पाएंगे। चलो फटाफट से अपने जेट को यहाँ पर रोकते हैं और इसमें से निकल जाते हैं। बचाओ। तो कोई सर, हमारे पास टाइम यहाँ पर बहुत ही कम है, जल्दी से इस बॉल को उठाते हैं और हम इसको लॉन्च करने वाले बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे के सारे पिन करेंगे। 3, 2, 1 गो। और गाइस आप देख सकते हो हमारी बॉल ने मारा खतरनाक सा धक्का और ये क्या, सारे के सारे पिन गिर गए। अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अरे ये यहाँ पर हो चुका है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। स्पाइडरमैन, अगर तुम इस प्लेन को वापस से यहाँ पर लेकर आ जाते हो बिल्कुल सही से तो तुम्हें वो पोशन मिलने वाला है। अरे मैं तो आ रहा हूँ फुल स्पीड में। चलो गाइस फटाफट से अपने प्लेन को वापस से लेकर चलते हैं और ये मिसाइल्स मेरे ऊपर फेंके जा रहे हैं, मुझे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। बच गया बच गया बच गया, वो मिसाइल कितने ज्यादा क्लोज थी, एक और मिसाइल इससे भी बच गया। ये तो बहुत ही खतरनाक मेरे ऊपर मिसाइलें मारे जा रहे हैं, पर गाइस हम लोग बचते बचाते यहाँ पर जा रहे फुल स्पीड में। बच गया, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, हम तो यहाँ पर क्रैश होने वाले। और ये क्या, मैं तो बिल्कुल सही जगह पर क्रैश हुआ हूँ, सामने सोनिक और लोकी है। अरे स्पाइडरमैन ये लो तुम्हारा पोशन, ये पोशन तुम्हारा हुआ। अरे पोशन तो मेरा हो गया पर ये मिलिट्री वाले मेरे पीछे पड़ गए। चलो फटाफट से पोशन पी लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से स्पाइडरमैन में। ये स्पाइडरमैन तो सही में बहुत ही खतरनाक है। केले इन सारे के सारे पुलिस वालों और मिलिट्री वालों को बताना पड़ेगा मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ, कब से ये लोग मुझे मारते जा रहे। पर गाइस मैं यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े स्पाइडरमैन में अपग्रेड हो चुका हूँ, ये सही में बहुत ही खतरनाक है। गाइस हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया खतरनाक पावरफुल स्पाइडरमैन में तो अपग्रेड हो गए, पर आपको तो याद ही होगा मैं क्या बोला था जायंट एवेंजर्स ने, हमें अपग्रेड होना पड़ेगा एक जायंट स्पाइडरमैन में, ना कि पावरफुल। मतलब पावरफुल तो हमको बनना ही था, पर अब हमें बनना है एक जायंट स्पाइडरमैन, हमें अपनी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो जायंट, अगर आप चाहते हो मैं एक बहुत ही बढ़िया जायंट स्पाइडरमैन बन जाऊं तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ जायंट जायंट जायंट। और अपन फटाफट से सारे पुलिस वालों को मारते हैं और अपन चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जायंट स्पाइडरमैन में अपग्रेड होने के लिए। अभी तक तो तुम लोग सिर्फ एक एक पोशन के लिए लड़ रहे थे, पर अब इस खतरनाक से चैलेंज में तुमको मिलने वाले 3-3 पोशन। तुम दोनों में से ये चैलेंज जो भी जीतेगा उसको मिलने वाले 3-3 पोशन। क्या 3 पोशन, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैंने अभी तक टोटल में 3 पोशन पिए, अगर मैं इन तीनों पोशन को पी लूंगा तो मैं तो बहुत ही खतरनाक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। तुमने सही कहा, अगर तुमने पी लिया तो। ओए ऐसा सोचना भी मत, मैं भी जिंदा हूँ, ये तीनों के तीनों पोशन तो मैं ही पीऊंगा, ये तीनों पोशन मेरे हैं। अरे बच्चे जो भी चैलेंज जीतेगा उसको मिलने वाले है। बच्चा किसको बोल रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ। भूल मत मैं लॉयन हूँ और तू एक सांड। बात तो सही है सॉरी, पर सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ। ओके ओके सबसे पहले तुम जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इस चैलेंज में करना क्या है। यहाँ पे जो भी गाड़ी तुम्हें अच्छी लगे उसको लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ से अपनी गाड़ी को जंप कराते कराते सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते तुम्हें जाना पड़ेगा पानी में बोट्स लेकर वापिस से सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते तुम्हें पहुंचना पड़ेगा इस खतरनाक से फिनिशिंग लाइन पर। जो भी सबसे पहले पहुंचेगा उसको मिलने वाले 3-3 पोशन। ओए मैंने तो पहले ही बोल दिया था मैं जाऊंगा, मैं ये सारे के सारे पोशन पी कर रहूंगा। सबसे पहले जाने वाला है ये सांड, देखते हैं ये क्या करने वाला है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो ये सांड अंकल यहाँ पर निकल चुके इस चैलेंज को जीतने के लिए। अगर आप चाहते हो ये जल्दी से जल्दी गिर जाए तो कमेंट कर दो बैड लक टू सांड अंकल, क्योंकि कैसर मुझे लगता है ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रोफेशनल ड्राइवर है और ये तो फुल स्पीड में यहाँ पर जाते जा रहे। गिर जा गिर जा गिर जा। हा हा हा, मैं कहीं नहीं गिरने वाला, मैं गिरूंगा तो सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर, मुझे उससे पहले कोई नहीं रोक सकता, हट जाओ। अरे कैसर ये तो सही में फुल स्पीड में जाता जा रहा है फिनिशिंग लाइन की तरफ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको कैसे भी करके गिराना पड़ेगा और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है इसको गिराने की, वो है बैड लक कमेंट कर
करना। अगर हम सब के सब साथ में कमेंट करेंगे बैड लक टू सांड तो ये कभी भी गिर सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कोई कमेंट नहीं करेगा बैड लक टू सांड, वरना सबको मैं अपने सींगों से मार दूंगा। एक बार मैं खतरनाक स्पाइडरमैन बन जाऊं फिर इसके तो मैं सींग ही तोड़ दूंगा। बस आप जल्दी जल्दी बैड लक टू सांड लिखते जाओ, क्योंकि गाइजर अभी ये बोर्ड तंग आ चुका है और ये फिनिशिंग लाइन की भी बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच जाएगा। फिनिशिंग लाइन आ रहा हूं मैं, हट जाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से, कोई भी नहीं, हट जाओ। तो गाइजर अभी सांड अंकल ने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंप करवा दिया अपनी बोर्ड को। अरे कहाँ जाकर मानोगे, मैं तो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला हूँ। अरे स्पाइडरमैन भैया आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, ये लो। अरे ये क्या हो गया, ये कौन है, अरे ये कैसे हो सकता है। मैंने इनको गिना दिया, मेरा काम हो चुका है, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। और गाइजर ये क्या, ये शिंचर पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा इस खतरनाक से प्लेन को लेके और उस सांड अंकल को इसने भेड़ दिया, और वो अंकल तो सीधा जाकर पानी में गिर चुके हैं और डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इसका मतलब गाइजर हमें यहाँ पर एक और मौका मिल चुका है इस चैलेंज को जीतने का। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते भगाते चलते और इस पूरे चैलेंज को खत्म करते। तो गाइजर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि गाइजर अभी हमें यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मौका मिला है, क्योंकि वो सांड अंकल तो लगभग फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए थे और ये फैन ने मुझे क्यों उड़ा दिया। वो सांड अंकल बिल्कुल थोड़ा सा बचे थे और शिनचैन आके हमको बचा लिया। तो हमें ये चैलेंज कैसे भी करके अब तो जीतना ही पड़ेगा। गुड लक स्पाइडरमैन, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपनी गाड़ी को भगाते भगाते हम लोग लेकर जा रहे फिनिशिंग लाइन तक। चलो यहाँ से चल लेते हैं, इनके बीच में से निकलेंगे, हमें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरना, हमें बस पहुंचना है फिनिशिंग लाइन पर। फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते भगाते चलेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता इस चैलेंज को जीतने से। ए अंकल साइड हो जाओ। और गाइजर अभी आप देख सकते हो हम इन खतरनाक सी बोट्स तक पहुंच चुके हैं। और गाइजर फटाफट से इस बोट्स के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं फिनिशिंग लाइन की तरफ। हमें अब जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम फुल स्पीड में निकल चुके हैं, लेट्स गो। हम तो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच के ही रहेंगे कैसे भी करके, चलो चलो चलो। और गाइजर आप देख सकते हो सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है, फैंस से हम बच चुके हैं और हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। बीच में शिनचैन का प्लेन भी आया था पर हमने उसको क्रॉस कर दिया और गाइजर हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिशिंग लाइन पर। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट किया, ये तीनों पोशन तुम्हारे हुए। और गाइजर फाइनली हमें ये तीनों के तीनों पोशन यहाँ पर मिल चुके हैं। मैंने अभी तक टोटल मिला के तीन पोशन पिए थे और मैं एक साथ तीन तीन पोशन अभी यहाँ पर पीने वाला हूँ। चलो फटाफट से इनको पी लेते हैं। सबसे पहले इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब आखिरी की बारी, अब कब। और गाइजर आप देख सकते हो इन तीनों पोशन को पीने के बाद मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ बहुत ही ज्यादा जॉइंट खतरनाक स्पाइडरमैन में। ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है, मैं तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और आखिरकार जॉइंट स्पाइडरमैन भी बन चुका हूँ। जैसा कि मुझे जॉइंट एवेंजर्स ने बोला था बनने के लिए, हम लोग वैसे बन चुके हैं। और अब हम जाने वाले और जॉइंट एवेंजर्स को ज्वाइन करने वाले। एवेंजर्स आ रहा हूं मैं। अरे ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। उड़ी बाबा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अरे ऐसे कैसे दिक्कत हो गई, तुमने बोला था जॉइंट होने के लिए और मैं जॉइंट हो चुका हूँ। मैं भी तो जॉइंट हो चुका हूँ, मैं आऊंगा जॉइंट एवेंजर्स में। नहीं मैं आऊंगा। रुक जाओ, तुम दोनों लड़ो मत, हम देखेंगे किसकी हाइट ज्यादा है वही आ पाएगा। इसका मतलब तो मैं जीत गया क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लंबा हूँ, मैं तो इन एवेंजर्स से भी लंबा हूँ, यहाँ तो मेरे सामने छुटका है। तो गाइजर आप सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा छोटा है और मैं बहुत ही ज्यादा लंबा। इसका मतलब हमारे नए नए एवेंजर्स में ज्वाइन करते जॉइंट स्पाइडरमैन। उड़ी बाबा तुम्हारा स्वागत है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार गाइजर हमने ये खतरनाक सा जॉइंट एवेंजर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही ज्वाइन करूंगा इन एवेंजर्स को, ये ले। अबे ये मारने को लग गया, तेरी ऐसी की तैसी, मैं इसके सामने इतना ज्यादा बड़ा हूँ फिर भी ये मेरे से लड़ना चाह रहा है। अबे तू हार गया, चलना निकल यहाँ से। मैं तुझसे नहीं हार सकता बिद्दी, मैं तुझे खत्म कर रहूंगा। बिद्दी ये मेरे सामने
सामने इतना ज्यादा छोटा है और मुझे पित्ती बोल रहा है तेरी ऐसी की तैसी, मुझे लगता है मुझे इसको खत्म करना ही पड़ेगा यार। तो कैसे जल्दी जल्दी इस हाफ वेनम हल्क को जल्दी से खत्म कर दे ताकि हम एवेंजर्स में जा सके, क्योंकि वैसे तो मैं एवेंजर्स में आ ही चुका हूँ पर ये बीच में परेशान कर रहा है, चल निकल यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आना एवेंजर्स में, अगर मैं तुझे मार दूंगा फिर तो वो लोग मुझे ही लेंगे। अच्छा ये मुझे मारना चाहते हैं, उससे पहले मुझे इसको कैसे भी करके खत्म करना ही पड़ेगा। तो कैसर जल्दी जल्दी कमेंट करो एवेंजर स्पाइडरमैन, क्योंकि कैसर मैं यहाँ पर एवेंजर बन चुका हूँ और ये हल्क वेनम का बच्चा नहीं बन पाया, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते ताकि कैसर हम लोग अपनी नई टीम के पास जा सके और उनसे मीटिंग कर सके। हमें लॉस सैंटोस को बचाना भी तो है, ऐसे छोटे मोटे लोगों से हम लड़ते नहीं है वैसे तो, पर अभी इसको फिलहाल खत्म करना जरूरी है। ये ले मुझे बचाओ, मुझे एवेंजर्स में जाना है। अबे जाना जब देखो जब रोता रहता है। तो कैसर इसी के साथ हमने इस हल्क वेनम को तो यहाँ पर खत्म कर दिया और कैसर हम लोग जाने वाले अपनी टीम मीटिंग के लिए, क्योंकि अब मैं हूँ पार्ट एवेंजर्स का। तो कैसर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। हमने आखिरकार जायंट एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया, वो भी एक खतरनाक सा जायंट स्पाइडरमैन बनकर। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वहां जाके ज्वाइन फॉलो कर लो। और गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।